तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो अभी प्रीवियस टॉपिक्स में मल्टीपल कमांड्स को कवर किया है हम क्विकली उन कमांड्स का दोबारा ओवरव्यू करते हैं इसका पर्पस एक तो ये भी है कि हमारी स्पीड हम पेस थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि पहले हमने इनके ऊपर इंडिविजुअल सबके ऊपर एक एक अपना टॉपिक कवर किया है मॉड्यूल कवर किया है लेकिन अब हम इनको कलेक्टिव वे में विद इन फ्यू मिनट्स हम ऑपरेट करने की ट्राई करते हैं और आपने साथ साथ आपने भी ऐसे ही क्विक वे में करना है अभी और ये हमें पता चलेगा कि क्या हमारी जो हमने ऑलरेडी कमांड्स की हैं उनमें कितनी हमारी ग्रिप मज़बूत हुई है और प्लस अगर कोई उन कमांड्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी या कुछ कोई ऐसी कोई चीज़ रह गई है उसको भी अभी हम दोबारा इस वक्त चेक कर लेते हैं तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम इन कमांड्स का क्विक ओवरव्यू कर सकें तो ये हमारे पास स्क्रीन है और हम सेम आर कमांड इन आटो कैड में मूव कर रहे हैं वही हमने जो एक ड्राइंग टिपिकली सेव की थी उसी के साथ साथ हम चलते आ रहे हैं और अब हम क्विक ओवरव्यू uh, करने जा रहे हैं मल्टीपल जो हमने कमांड्स यूज़ किए हैं उसमें हमने सबसे पहली कमांड जो है वो रेक्टेंगल यूज़ किया रेक्टेंगल को ड्रा करने के हमने तीन मैथड देखे थे ड्रा के अंदर से हम जाके कर सकते हैं हमारे पास साइड में टूल बार मौजूद है और फिर हमने शॉर्ट की भी देखी थी तो फिलहाल हम एक ही उनमें से मेथड यूज़ करते हैं आप बाकी वन बाय वन यूज करेंगे हम यहाँ से साइड में रेक्टेंगल का जैसे ही हमने रेक्टेंगल का बटन आप प्रेस किया था तो अगेन आप नोट करें तो हमारे पास नीचे से ऑप्शन थे हम फिलहाल सिर्फ एक ऑप्शन में वर्क करेंगे बाकी आप खुद से दोबारा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप तो हम यहाँ से विड्थ के ऊपर वर्क कर लेते हैं कि अगर हमने जो रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं उसकी साइड्स की विड्थ बढ़ानी हो तो हम क्या करते थे तो उसके लिए हम यहाँ पे विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी अगर आप नोट करें तो ये ज़ीरो फीट और जीरो इंचज़ है यानी ऑलरेडी इसकी कोई विड्थ नहीं है बाई डिफ़ॉल्ट वो पिक कर रहा है ज़ीरो फ़ीट जीरो इंच मीनस जो बाई डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी फिट है उससे हमने कुछ भी नहीं किया हमने उसको एज इट इज़ रखा है अब अगेन ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कैड में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये वाली टूल समझना कभी भी अगर कैड में आप उनकी टर्म्स को कैड की टर्म को एक्सेप्ट करना चाह रहे होंगे तो आप एंटर कर देंगे तो वो जीरो फ़ीट जीरो इंचज़ बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज आप जब थोड़ा सा कोई बदलना चाह रहे हैं सपोज़ मैं यहाँ पे फाइव फीट दोबारा कर लेता हूँ और क्विकली हम देखते हैं कि अब जो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं आप नोट करें तो उसकी जो है वो विड्थ इंक्रीज़ हो चुकी है वो बढ़ गई है और अगर हमने इसको वापस लाना है तो सेम हम वापस जो है वो रेक्टेंगल नई रेक्टेंगल ड्रा करते हैं पहला पॉइंट क्लिक करने से पहले हम दोबारा विड्थ के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे हम ज़ीरो का बटन ज़ीरो फीट एंटर कर देते हैं तो अब जब हमारी हम यहाँ पे नोट करेंगे ज़ीरो फीट तो हमारी जो रेक्टेंगल है वो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं और रेक्टेंगल जब हमने ड्रा की थी तो यहाँ हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट उसने पूछे थे तो आप ईजिली जो है वो हमने दोबारा ये हंड्रेड फीट और कॉमा आप एक्स और वाई ख़ुद से सेट कर सकते हैं तो ये हमारे पास कुछ बेसिक जो है वो रेक्टेंगल की बातें थी इसी के साथ साथ लास्ट में रेक्टेंगल को हम रोटेट भी हमने देखा था कर सकते हैं आन अनसर्टेन एंगल्स जिस तरह ये हमारे पास यहाँ पे हम 45 के एंगल के ऊपर इसको रोटेट करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं तो ये हमारे पास रेक्टेंगल का कोई ओवरव्यू था इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और अब हम बढ़ते हैं आर की तरफ आर के हमने मल्टीपल मैथड्स देखे हम यहाँ पर एक चीज़ अब जो मेनली करने जा रहे हैं हम आर का रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं अगर हमने अपनी आर का रेडियस बताना हो कितना है तो आर के मल्टीपल मैथड्स में से हम यहाँ से फिलहाल जो हमारे पास थ्री पॉइंट आर की बटन साइड में मौजूद है लेफ्ट साइड पे उसी पिक करते हैं और ड्रा के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं जो आपने ऑलरेडी भी किए होंगे और दोबारा आप इस मॉड्यूल के बाद एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि हमने ये जो कमांड्स ऑपरेट कर ली हैं अब हमारी इनके अंदर एक्सपर्टीज़ कितनी डेवलप हो चुकी हैं तो ये हमारे पास एक आर्क है मैं इसका पहला पॉइंट लगाता हूँ दूसरा और तीसरा अब सपोज इसी आर्क को हमने जो है वो अगर आ, चेक करना हो कि इसका रेडियस क्या है जिस तरह हमने सर्कल का रेडियस फ़ाइंड आउट किया इसी तरह अगर आर्क का रेडियस फाइंड आउट करना हो तो सेम सबसे पहले आपने वही एक जस्ट इंश्योर कर लेना है डायमेंशन स्टाइल में से डी एंटर ताकि आपकी जो डायमेंशनज हैं वो और पर्टिकुलरली यूनिट्स मैटर करते हैं आपके और टेक्स्ट की हाइट ये दो चीज़ें आपने इंश्योर करनी है कि टेक्स्ट की हाइट भी ऑलरेडी ट्वेंटी फीट है और यूनिट्स भी सेम है तो अब हम यहाँ पे डायमेंशनस में मूव करेंगे और देन रेडियस और यहाँ पे डायमेंशन uh, के अंदर यस yes, रेडियस को फाइंड आउट करके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आर्क रेडियस आ रहा है दैट इज़ फोर थर्टी टू फीट एंड सिक्स इंचेस तो इस तरह हम एक आर्क का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह अभी हम सर्कल का किया भी है और हम अभी ओवरव्यू में करते भी इसके बाद हमारे पास आर्क uh, के मल्टीपल ऑप्शन हैं आपने सारे ऑप्शनस को वन बाई वन ऑपरेट करना है और ताकि आपकी जो है वो एक दफ़ा एक्सपर्टीज़ इसके अंदर हमारी ट्रेनिंग हैंड ऑन प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ जाए इसके पैरेलल जो है हम आगे चलते हैं और हमारे पास सर्कल की कमांड थी तो हमने सी एंटर किया था ये शॉट की थी सर्कल की हमने ड्रा मेन्यू से भी सर्कल को ऑपरेट करना देखा साइड बार से भी हमारे पास सर्कल की ऑप्शन मौजूद है तो यहाँ पे हम तो ये हमने आ, सर्कल की कमांड यहाँ ऑपरेट की है विदाउट गिविंग डायमेंशन तो इसके भी अगर हमने आ, रेडियस फाइंड आउट करना हो तो भी हम डायमेंशन में जाके करेंगे और अगर डायमीटर करना हो तो भी डायमेंशन में जाएंगे तो ये इसका रेडियस है और हमने कहा था कि डायमीटर हमेशा आपके रेडियस का डबल होगा तो ये अगर आप देखें तो ये वन फ़ीट फाइव इंचेज़ और इफ़ uh, हम मल्टीप्लाई करें वन फीट फाइव इंचज को विद टू तो हमारे पास आंसर आता है थ्री फीट एंड टेन इंचज़ तो इस तरह हम अपने सर्कल का रेडियस अब यहाँ पे हमारे पास uh, दो तीन और ऑप्शन है हम क्विकली एक दो सर्कल जो है वो और ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे और ताकि हम बाकी ऑप्शन को भी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें अब अगर हम सी एंटर करते हैं तो जैसे हम सी एंटर करते हैं तो ये हमारे पास थ्री पॉइंट और टू पॉइंट सर्कल के ऑप्शनस भी आ रहे हैं कि अगर आपने सर्कल लगाना है और आप समझते हैं कि थ्री पॉइंट सर्कल है वो तो कैसे लगा सकते हैं तो जैसे ही हमने थ्री पॉइंट को यहाँ से पिक किया तो ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है कि आप पहला पॉइंट क्लिप पिक करें आपने एक सेंटर का किया दूसरे का किया और जैसे ही आपने तीसरे पॉइंट का सर्कल किया द तो सेंटर किया तो उसने एक ऐसा सर्कल लगा दिया है जो तीन सर्कल के आ, आपके सेंटर पॉइंट्स को टच कर रहा है इसी तरह आपके पास टू पॉइंट की ऑप्शन भी मौजूद है अगर आपने वो ऑप्शन पिक करनी है सी एंटर हम दोबारा शॉर्ट की से वर्क कर रहे हैं तो हम टू पॉइंट के ऊपर भी जो है वो वर्क कर लेंगे तो इस तरह हम सर्कल्स को जो है वो वेरिएट कर सकते हैं और ऑलरेडी हमने उसका डायमीटर और रेडियस फाइंड आउट करने का मेथड जो है वो देख लिया है अब हम एस पी लाइन की तरफ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एस पी लाइन नॉर्मली जो है हमें आ, स्मूथ कर्व्स दे रही होती है जो हमें शायद पोली लाइन कमांड भी उतने स्मूथ कव्ज नहीं दे सकती हमने कभी स्विमिंग पूल डिज़ाइन करने हो जॉगिंग ट्रैक्स के ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं तो ये हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट होता है एस पी लाइन तो ये हमारे पास एस पी लाइन की टूल जो है वो मौजूद है यहाँ से हम यूज़ करते हुए इसको और भी मैथड्स हैं ड्रा के अंदर से भी ये आपने इसको जो है वो जहाँ पे भी आप इसको क्लोज करना चाह रहे होंगे आपने इसको सिंपल एंटर का बटन प्रेस करना है और फाइनली हमारे पास इलिप्स की कमांड है वो तो आपने ऑलरेडी भी देख रही है और फर्दर हम इसको जब आगे कहीं यूजे जाएगी तो हम इसको इसके रेडियस को भी और बढ़ा या कम कर सकते हैं सो तो ये हमारे पास एक बहुत क्विक ओवरव्यू हमने किया है कमांड्स का कि हम किस तरह इन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो अभी हमने जो है वो एग्जीक्यूट करके देख ली हैं मल्टीपल कमांड्स आई आई होप के आप भी इसी तरह ही एग्जीक्यूट करेंगे और थोड़ी सी हमारी पेस बढ़ जाएगी अगेन हम पेस बढ़ा रहे हैं अपने मेन जब हमने आगे मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स को हमने एग्जीक्यूट करना है और फ्री लांसिंग मार्केट में आपने उनको जाके आ, फिर वर्क उन पर करना है तो होप्स हो कि जब हम उन प्रोजेक्ट्स तक पहुँचेंगे तो हमारी इन बेसिक कमांड्स के ऊपर ग्रिप जो है वो और मजबूत हो चुकी होगी